हाँ दोस्तों, मानव मस्तिष्क क्वेश्चन क्या आएगा? मानव मस्तिष्क का सचित्र वर्णन कीजिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मानव मस्तिष्क का सचित्र वर्णन कीजिए, बायोलॉजी का क्वेश्चन है बेटा, और आराम से आप समझिए और पढ़िए इसको और करके आइए, ठीक है? तो पहले तो आप चित्र बनाने का प्रयास करोगे। देखो चित्र आप बुक में से है, बुक में क्वेश्चन है, चित्र है, उससे आप चित्र बनाने का प्रयास करो, बार बार करो। मुझसे भी नहीं बनाया, ऐसा ही बनाया है मैंने खुद जल्दीबाजी में, ठीक है बच्चों? तो ये मानव मस्तिष्क का चित्र है। तो इसमें हमारे जो मस्तिष्क है ना बेटा, वह सबसे पहले तो उसका वजन 1350 से लेकर के 1450 ग्राम तक होता है। 1350 ग्राम से लेकर के 1450 या 1400 ग्राम तक होता है लगभग इसका वजन, ठीक है बच्चों? यह कपाल जो खोपड़ी है हमारी, जो कपाल, इससे सुरक्षित रहता है। इसमें 7 जो है लेयर होती है, परतें पाई जाती है, यह सुरक्षित इसके अंदर होता है, समझ गए? इसमें इसके जो पार्ट है बच्चों, क्या इसके पार्ट है, वो कितने पार्ट है मस्तिष्क के? 3 पार्ट है। कितने पार्ट है? 3 पार्ट मानव मस्तिष्क के। नंबर 1 प्रमस्तिष्क, जो कि सबसे बड़ा भाग है हमारे शरीर के, जो हमारा जो मस्तिष्क है उसका सबसे बड़ा भाग है, 80-85% यही पाया जाता है, इसे अग्र मस्तिष्क कहते हैं, ठीक है? नंबर 2 आपका है मध्य मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क बोलते हैं इसको। इसको मध्य मस्तिष्क बोलते हैं। और नंबर 3 है मेडुला ओब्लोगेटा। मेडुला ओब्लोगेटा इसको पश्चिम मस्तिष्क बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारे मस्तिष्क के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, एक प्रमस्तिष्क है, एक अनुमस्तिष्क है, एक मेडुला ओब्लोगेटा है, क्लियर? इसमें जो प्रमस्तिष्क होता है इसे अग्र मस्तिष्क कहते हैं, ये वाला पार्ट। जो अनुमस्तिष्क होता है ये यहां से लेकर के यहां तक का जो पार्ट होता है ये अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क है, ये रहा आपका मध्य मस्तिष्क भी बोलते हैं इसको, अनुमस्तिष्क दूसरा नाम है। और मेडुला ओब्लोगेटा है शरीर के पीछे का जो भाग है ना आपका, पश्चिम मस्तिष्क, जो मस्तिष्क के पीछे का भाग, उसे पश्चिम मस्तिष्क या मेडुला ओब्लोगेटा कहते हैं, समझ गए? तो इसमें क्या होता है बच्चों, जो इसमें एक तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि मानव मस्तिष्क में ग्रंथि पाई जाती है, इसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट है। पीयूष ग्रंथि मटर के दाने के समान होती है। कैसी होती है? पीयूष जो ग्रंथि है वो मटर के दाने के समान होती है, समान होती है। और कैसे कलर की होती है? गुलाबी कलर की होती है बच्चों। कैसे कलर की होती है? गुलाबी रंग की होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि यह सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। सभी ग्रंथियों का नियंत्रण कौन करती है? पीयूष ग्रंथि करती है, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसे पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? पिट्यूटरी हार्मोन निकलता है। और इसके ऊपर ही आपका हाइपोथैलेमस दिख रहा होगा, ये हाइपोथैलेमस है। इस हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मतलब ये पीयूष ग्रंथि को भी कंट्रोल करता है। पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि यह है आपकी जो पीयूष ग्रंथि है इसको भी कंट्रोल करने का कार्य करता है। समझ में आ गया? इसके बाद में ये मेरुरज्जु है, ये मेरुरज्जु है, ये मेडुला ओब्लोगेटा से जुड़ा होता है, ये पश्चिम मस्तिष्क होता है। एक अति महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जो मध्य मस्तिष्क है बेटा, ये इसका काम है हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखना। ध्यान रखना, मध्य मस्तिष्क कार्य पूछे तो क्या लिखोगे? शरीर का संतुलन बनाए रखना।
और आपको मैं और बता दूं, जो शराब वगैरह पीते हैं लोग, उसका सबसे जो है क्षतिग्रस्त भाग मध्य मस्तिष्क ही होता है। उसमें क्या होता है कि वो लड़खड़ा कर चलते हैं, आप देखते हो, क्योंकि उसका ये भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है। अगर आपसे पूछता है तो कान, मानो जो करण है, ये मानो करण से जुड़ा होता है बच्चों मध्य मस्तिष्क। मानो कान के कोई दो काम पूछ ले तो क्या बताओगे? पहला तो सुनना और दूसरा शरीर का संतुलन बनाए रखने में सहयोग करता है, समझ गए? अंतःकरण होता है वह, मानो का शरीर का संतुलन बनाए में सहयोग करता है। जो प्रमस्तिष्क होता है बेटा, ये एक प्रकार से हमारा चिप है, समझ लो। प्रमस्तिष्क क्या है? एक प्रकार का चिप है जिसमें सोचने विचार करने की सारी क्षमताएं पाई जाती है, इसमें है ना, याददाश्त वगैरह सब प्रमस्तिष्क में होता है। और भाई अनुमस्तिष्क क्या है? अनुमस्तिष्क मध्य मस्तिष्क है, यह शरीर का संतुलन बनाए रखने में जो है महत्वपूर्ण योगदान करता है। मेडुला ओब्लोगेटा मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। जो पश्चिम मस्तिष्क होता है, जो हमारी सूचनाएं जो आती है तंत्रिका अक्ष से, तंत्रिका कोशिकाओं से जो सूचना आती है, इसको ये मेडुला ओब्लोगेटा है प्रमस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है, समझ गए? मस्तिष्क का वजन है वो 1350 ग्राम से लेकर की 1400 ग्राम तक होता है। और मस्तिष्क में एक अति महत्वपूर्ण ग्रंथि जो पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, यह मटर के दाने के समान होती है, गुलाबी रंग की होती है। इसे मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सभी जो ग्रंथियों का, जो हमारे शरीर में और ग्रंथियां हैं, अधिवक्र ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, इनका नियंत्रण करने का कार्य पीयूष ग्रंथि करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और इससे निकलने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? पिट्यूटरी हार्मोन कहते हैं बच्चों। और इसका भी नियंत्रण कौन करती है? हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को भी कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, समझ गए? आप इतना लिखोगे, मस्तिष्क का क्वेश्चन कैसे आएगा? मानो मस्तिष्क का सचित्र वर्णन कीजिए, तो चित्र बनाओगे, सबसे पहले चित्र बनाना, उसके बाद में मानो मस्तिष्क कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, तीनों भागों की टॉपिक लिखना, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। परमस्तिष्क को अग्रमस्तिष्क भी कहते हैं, अनुमस्तिष्क को मध्य मस्तिष्क कहते हैं, और मेडुला ओब्लोगेटा को पश्चिम मस्तिष्क कहते हैं, ठीक है? इतना टॉपिक लिखो, ये मस्तिष्क प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा भाग होता है, आगे की दिशा में पाया जाता है, मध्य मस्तिष्क बीच में होता है जो हमारे अंतःकरणों से जुड़ा होता है, और मेडुला ओब्लोगेटा पीछे का भाग होता है, इसे पश्चिम मस्तिष्क कहते हैं, जो मेरुरज्जु से जुड़ा होता है, समझ गए? इतना लिखने के बाद में क्या लिखोगे कि हमारे मस्तिष्क में कपाल द्वारा यह सुरक्षित रहता है, खोपड़ी जो होती है उसके द्वारा यह सुरक्षित रहता है। इसका वजन 1350 से 1400 ग्राम होता है। और बच्चों इसमें बाद में क्या लिखोगे कि इसमें ग्रंथि पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, गुलाबी रंग की होती है और मटर के दाने के समान होती है, सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है बच्चों। और इस पर कंट्रोल करने वाली ग्रंथि हाइपोथैलेमस ग्रंथि कौन सी है? ये हाइपोथैलेमस है, जो भी मस्तिष्क में ही पाई जाती है। इतना लिखोगे तो 5 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का आएगा तो पूरे के पूरे मिलेंगे, समझ गए बच्चों? आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं, तो इसके लिए रुकिए।